नमस्ते दोस्तों। दोस्तों अगर आप फोन पे यूज़ कर रहे हो, ट्रांजैक्शन के लिए फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो और उसका अगर पिन, यूपीआई पिन अगर भूल गए हो, या तो आप चेंज करना चाहते हो या तो फॉरगेट करना चाहते हो, तो फॉरगेट कैसे करें या तो चेंज कैसे करें, पिन चेंज कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि चैनल पे नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में से आपका फ़ोन पे अगर अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से फ़ोन पे लिखूँगा और अगर अपडेट मांगेगा तो यहाँ अपडेट आपको कर लेना है। मेरा फ़ोन पे काफ़ी समय से अपडेट नहीं किया है, इसलिए मेरा यहाँ अपडेट मांग रहा है तो यहाँ अपडेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से अपडेट करने के बाद यहाँ कुछ ही सेकंड के अंदर ही अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो जाने के बाद ही मैं जो आपको सेटिंग्स करवा रहा हूँ वो सेटिंग्स होगा आपको, वरना उसके पहले नहीं होगा। तो ये थोड़ी ही देर में अपडेट हो जाएगा, तो थोड़ी हमें वेट करना है। अगर नेट अच्छा चल रहा है तो ये अपडेट हो जाएगा, वरना थोड़ी हमें वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपडेट हो जाने के बाद यहाँ मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ कहीं भी जाने का नहीं है। यहाँ आपको जो फ़ोटो का आइकॉन जो दिखाई दे रहा है उस पर हमें क्लिक करना है, मतलब प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ से बैंक अकाउंट पे क्लिक करूँगा। आपको भी यहाँ बैंक अकाउंट पे ही क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और जितने भी आपका बैंक अकाउंट अगर ऐड होगा तो वो सभी यहाँ आ जाएगा। लेकिन मेरा जो यहाँ एक ही बैंक अकाउंट ऐड है, इसलिए मैं यहाँ ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर नहीं जाऊँगा, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करना है हमें। अब यहाँ बैंक अकाउंट में जाओगे तो यहाँ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ यूपीआई पिन चेंज करने का या तो रीसेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से चेंज करूँगा, यहाँ से चेंज करो या तो रीसेट करो। सपोज़ कि मैं यहाँ चेंज करूँगा तो यहाँ थोड़ी ही वेट करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ आपको चेंज यूपीआई पिन करके जो है, तो अब यहाँ आपको जो भी पहले जो पिन था वही आपको डालना है। तो मैं यहाँ से, अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड में नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ सबसे पहले आपको जो पुराना पिन जो आपने डाला है वही डालना है। तो मैं यहाँ से ये पुराना पिन जो है डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको राइट क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको इंटर न्यू पिन यूपीआई करके जो आ जाएगा तो उस पर हमें क्लिक करना है। तो अब यहाँ आपको जो भी पिन आप रखना चाहते हो वही आपको पिन डालना है। तो मैं यहाँ से नया पिन ऐड कर लेता हूँ। नया पिन एक बार डालना है और उसके बाद यहाँ आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ आपको कन्फर्म यूपीआई न्यू पिन डालना है, फिर से एक बार डालना है। तो मैं यहाँ से फिर से एक बार नया यूपीआई पिन जो है वो मैं डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ आपको राइट क्लिक पे ओके कर देना है। तो थोड़ी ही देर लगेगी और उसके बाद यूपीआई पिन जो है वो चेंज हो गया है आपके सामने ही। तो इस तरह आप यूपीआई पिन चेंज कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। एक दो मिनट के अंदर ही आप यूपीआई पिन चेंज कर सकते हो। आप जब भी आप पैसा किसी को ट्रांसफ़र करोगे तो ये यूपीआई पिन जो आपने डाला है वही आपको डालना पड़ेगा, ओल्ड यूपीआई पिन नहीं चलेगा। लेकिन अब आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड कैसे चेंज करें इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ फिर से आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कहीं भी पासवर्ड चेंजेस का मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन लॉक अगर डाला है तो स्क्रीन लॉक अगर चालू रखना चाहते हो या तो बंद रखना चाहते हो तो यहाँ स्क्रीन लॉक का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके फ़ोन डिस्प्ले पे स्क्रीन लॉक है तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा और स्क्रीन लॉक से भी आप ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर पासवर्ड रखना चाहते हो तो यहाँ से चेंज पासवर्ड करके जो ऑप्शन है वही आपको पासवर्ड यहाँ आपको चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ इंटर योर ओल्ड पासवर्ड करके जो है, तो यहाँ जो पुराना पासवर्ड है वही आपको डालना है और उसके बाद यहाँ प्रोसेड पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले जो पुराना मैंने पासवर्ड रखा था वही आपको मैं डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ प्रोसेड पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ सेट न्यू 4 डिजिट पासवर्ड करके आ जाएगा। तो आप अब यहाँ जो भी नया पासवर्ड आप रखना चाहते हो तो वही पासवर्ड आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ से ये पासवर्ड यहाँ डाल देता हूँ और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ आपको कन्फर्म कर देना है। तो मैं यहाँ से कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद यहाँ ये अगर आपका लॉक हो, डिस्प्ले लॉक हो, तो यहाँ लॉक मांगेगा। यहाँ लॉक को आपको ओपन कर लेना है, अनलॉक कर लेना है और उसके बाद यहाँ आपको कन्फर्म कर देना है।
अगर आपको ओल्ड पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो। यहाँ फॉरगेट पे क्लिक करोगे, यहाँ आपके जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इसमें एक ओटीपी नंबर जाएगा और वही ओटीपी नंबर यहाँ आपको टाइप करना है। मेरा ओटीपी नंबर यहाँ आ गया है, तो यहाँ ओटीपी नंबर टाइप करके मैं टाइप कर लेता हूँ। इस तरह यहाँ ओटीपी नंबर जो भी आया है वो टाइप कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुल चेंज इट योर प्लीज इस करके है, तो यहाँ कंफर्म करके आपको कंफर्म कर देना है। और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ जो भी आपने पासवर्ड रखा है वही पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है। तो इस तरह आप पासवर्ड चेंज करवा कर सकते हो और या फ़ोनपे का UPI चेंज कर सकते हो। दोस्तों तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।